हेलो जेएस पेरेंट्स, तो यार काउंसलिंग आपकी 19 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे जोसा के। अब पेरेंट्स में और स्टूडेंट में जो एक बहुत इन जनरल कंफ्यूजन आ जा रहा है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये वाली काउंसलिंग पहले होगी या ये वाली काउंसलिंग पहले होगी। तो इस वीडियो के जरिए ऑल इंडिया काउंसलिंग है, ये एक तरह से सेंट्रलाइज काउंसलिंग है, जेई मेंस के बेस पर होती है ना। और जो जोसा होती है वो जेई मेंस और एडवांस दोनों के बेस पर होती है। अब भाई एडवांस में जिसकी रैंक होगी उसको आईआईटी मिलेगा, है ना। जिसकी मेंस में रैंक होगी वो मेंस की रैंक के बेसिस पे काउंसलिंग होगी, उसको मिलेगा एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सीएफटीआईस, है ना। जब आप सीएसएबी की काउंसलिंग करेंगे तो वहां पर आपको आईआईटीज नहीं मिलेंगे चॉइस पूलिंग में, ठीक है। और यहां पर आपको राउंड वन से राउंड सिक्स तक काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा जोसा में। और जोसा एक तरह की कंडक्टिंग एजेंसी है भाई, जो कि काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये कैटेगरी रैंक बेस काउंसलिंग करता है, कैटेगरी रैंक बेस, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग होगी वो सीआरएल रैंक बेस्ड होती है, सीआरएल बेस्ड होती है। यहाँ पर दो राउंड्स होते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेटा एक्सटेंड कर जाता है, जितना आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे उतना एक्सटेंड कर जाएगा। यहाँ तक आपको अगर हम बात करें तो भाई अगर एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज को ऑप्शन लेके चले 50,000 से 55,000 रैंक तक आपको यहाँ पे मिल जाएगा जनरल वाले के लिए। थोड़ा सा इधर आएंगे तो हमको फिर यहाँ पर राउंड वन में क्या हो जाएगा, राउंड वन में 75,000 तक टच कर जाएगा, राउंड टू में आराम से 1,00,000 रैंक तक मिल जाता है। तो ये इसकी खूबसूरती भाई। अगर कम स्कोरिंग है तो सीएसएबी का इंतज़ार करो। एक्सपर्टीज इसमें यही है, जेई की काउंसलिंग में बड़ी कॉन्सेंट्रिक रहता है, धीरे धीरे करके जैसे राउंड बढ़ेगा वैसे वैसे कट ऑफ नीचे डाउनफॉल करता है, नीचे चली जाती है। हाँ, बस ये होता है यहाँ पर थोड़ी सी ब्रांचेस फिर आपको मॉडरेट मिल रही होती हैं या लोअर वाली मिल रही होती हैं, बिकॉज जो सीएस वाली ब्रांचेज होती हैं सारी सीटें यहाँ पर खाली होती हैं। जब इतनी काउंसलिंग 6 राउंड की हो जाती है तो बहुत सारी सीटें पैक भी हो जाती हैं। और एक मेजर यहाँ पर चेंज है, जोसा में क्या होता है कि भाई अलॉटमेंट के बाद में पैसा पे करना पड़ता है। जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है इस बार की 40,000 के आसपास, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का है तो 20,000 के आसपास। बट अगर आपको भाई सीएसएबी में पार्टिसिपेट करना है तो रजिस्ट्रेशन तभी कंसीडर होगा जब आप इतनी फीस पेमेंट करोगे, आप आगे के लिए मूव ऑन करोगे। थर्ड नंबर पे है, यहाँ पर कट ऑफ भाई जल्दी से बंद हो जाता है, जैसे कि 55,000 रैंक तक जाएगा। और एक्सटेंडेड देखो भाई डबल हो जा रहा है एकदम, इधर 6 राउंड में उतना नहीं एक्सटेंड हुआ, उधर इधर 2 राउंड में उतना एक्सटेंड हो गया, है ना। फोर्थ पॉइंट है कि भाई ये इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, सीएफटीआई, है ना। यहाँ पर आईआईटीज नहीं करते, बाकी सारे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनका टारगेट ये होता है कि सारी सीटें जितनी वैकेंट है वो भर जाए, फुल हो जाए, कोई भी कैंपस खाली ना रहे। सरकारी सीट अगर खाली रह जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। ये वाला इसीलिए प्लेटफॉर्म बनाया गया था सीएसएबी का। 2014 से पहले सीएसएबी की काउंसलिंग होती नहीं थी, ये पोर्टल 14 के आसपास बना हुआ है। अब अगर मैं थोड़ा सा इस पर आ जाऊँ भाई, जोसा क्या होता है, जोसा की काउंसलिंग इस वाली वेबसाइट पर होगी, सीएसएबी की इस पर होगी। तो यही सब डिफरेंसेस हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कुछ डाउट क्वेरीज हैं तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। अदरवाइज फ्री गाइडेंस फॉर्म मैंने दे रखा है, आप उसको भी सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको चाह रहे हो कि सर मेरी पोर्टल मैनेजमेंट हो जाए, कुछ हेल्प कर दो मेरी, तो उसके लिए आप हमारी टीम से बात करके काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं।